सतनाम जोहर सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। वैसा मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश स्वामी। आज हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। रेखा कौशिक जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। सतनाम। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी के 42 अमृत वाणियों पर हम एपिसोड पर चर्चा कर रहे हैं हर हफ्ते, और आज की हमारी 14वीं कड़ी है। और उस कड़ी में हमारा जो विषय है आज का कि माया के बंधना असली है, मतलब उसको हम हिंदी में कहें कि ये प्रेम की जो डोरी है ये सच्ची है। तो बाबा गुरु घासीदास जी की इस अमृत वाणी पर हम आज विस्तार से हमारे मेहमानों के साथ में उनके विचार और उनकी जो वाणियों पर विस्तृत चर्चा के लिए हम आज हाजिर हुए हैं उस कड़ी पर। तो मैं सबसे पहले आज के इस कड़ी पर मैं रेखा जी से चाहूंगा कि वो इस विस्तार से बाबा गुरु घासीदास जी की 14वीं वाणी पर अपनी विचार रखें। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी जी जय सतनाम जी। संतजनों को, वॉइस ऑफ मोटल पैनल सभी साथियों को जय सतनाम। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। पुरस्पिता सतनाम की जय। आज के बाबा जी की अमृत वाणी है 14वीं अमृत वाणी, माया के बंधना असली, अर्थात प्रेम का जो बंधन है वो संपूर्ण मानव समाज के लिए सही है, असली बंधन यही है। तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि प्रेम पूर्वक व्यवहार ही संपूर्ण मानव समाज और प्राणी जगत को जोड़े रखता है। पुरस्पिता सतनाम से स्नेह लगाना, आत्मा का परमात्मा से इसने ही सच्चा बंधन है। जो व्यक्ति पुरस्पिता से प्रेम करता है तो उसका सख्त व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है और उसके हृदय में कोमल आत्मा का वास होता है और मनुष्य के अंदर दया का भाव जागृत होता है। दूसरे की पीड़ा को सहज ही महसूस कर सकते हैं और सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है, और महसूस करने का जो तरीका है, जैसे दूसरे का दुख दर्द और सोचने का विचारधारा, उसमें भी परिवर्तन आता है और स्वभाव में लचीलापन आता है। उसने बाबा जी ने कहा कि जो संपूर्ण मानव समाज से प्रेम करता है और अपनत्व तो की जो भावना रखते हैं वो उनके विचार अपने से ज्यादा दूसरे को महत्व देते हैं, और दीन दुखी की मदद करना निस्वार्थ भाव से सही मायने में सच्ची प्रेम है। इस तरह अज्ञानता और सत्य के जाल में फंसे मानव को बंधन से बाबा जी ने मुक्त कराया। जीवन में कई तरह से संबंध होते हैं, जैसे वैवाहिक संबंध, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, ये सामाजिक संबंध, ये सारे संबंध होते हैं हमारे जीवन में। इसके बगैर इतना कर ही नहीं सकते। ये संबंध हमारे जीवन में विभिन्न जरूरतों को भी पूरा करते हैं। ये संबंध में प्रेम और आपसी विश्वास पर टिका होता है। प्रेम वाणी व्यवहार में प्रत्येक कार्य में झलकता है तो ही संबंध मधुर रह पाता है, क्योंकि प्रेम से ही हर रिश्ते की डोर मजबूत बनी रहती है। सच्चा प्रेम माता पिता और गुरु का सेवा सत्कार है, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देकर पालन पोषण करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। भाई बहन सगे संबंधियों का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। संतान से अभिमान, परिवार और मित्रों से संतोष और खुशी प्राप्त होता है। प्रेम में संबंधित से ज्यादा आशा की चाहत से कड़वाहट उत्पन्न होता है। संतान से के मनमुटाव, सगे संबंधी से या दोस्तों से मनमुटाव का कारण भी इसी से बनता है। यदि बंधन को मजबूत रखना चाहते हैं तो किसी से ज्यादा उम्मीद ना रखें। प्रेम की डोर टूटने पर गांठ पड़ जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे रहम का दोहा पढ़ना चाहूंगी।
रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। बाबा जी ने गुलामी के बंधन से आजाद रहने के लिए कहा। मानसिक गुलामी का बंधन ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे जो गुलाम रहता है उसको पता ही नहीं चलता कि हम मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं। आडंबर, पाखंड, झूठ जैसे बंधन गुलामी से आजाद करने के लिए, आजाद रहने के लिए बाबा जी ने कहा। क्योंकि मनुष्य का शरीर ठीक है, स्वस्थ है तो मन रोगी रहता है। जैसे ईर्ष्या करना, द्वेष, दूसरे को दुख पहुंचाना, ये सब मानसिक विकार है। यदि मांगना ही है तो अपने लिए और दूसरों के लिए सुख मांगे, सुख की कामना करें, सभी सुखी रहें, सभी शांति और शांति सुख की कामना करें सभी के लिए, और सभी के प्रति मन में सद्भाव की भावना रखें। प्रत्येक मनुष्य के लिए सच्चा प्रेम और वही है जो दूसरे की पीड़ा और दुख दर्द को समझ सके। और यहाँ मैं अपना सुरक्षित रचना बोलना चाहूंगी। सतगुरु से प्रीत लगाई के मिटे अहंकार त्रास, मैं को खुद से मिटा के आवागमन करनास। दूसरी पंक्ति है, अति का स्नेह न भला, अति का भला न दुख, अति स्नेह दुख का मूल है, अति स्नेह दुख का मूल है, पराधीनता में कहां है सुख। बाबा जी ने कहा कि शरीर तो नाशवान है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस देह की पवित्रता का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक पवित्र आत्मा का वास होता है। शरीर भी एक मंदिर की तरह है, इसमें गलत विचारों का कचरा ना डालें। किसी को तकलीफ देकर क्षणिक सुख तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसी के साथ अहित करने से, दिल दुखाने से, पीड़ा पहुंचाने से उसका परिणाम बहुत ही खराब होता है, ऐसा बाबा जी ने कहा। और आगे कहते हैं कि एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म के मानने वालों से ईर्ष्या, घृणा आदि करते हैं। अपने अपने धर्म को महान बताते हैं, क्योंकि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक भी नहीं चुकते। विश्व के सारे धर्म प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। मनुष्य के खुद का मन भी डरा सहमा रहता है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक और सब नुकसान पहुंचाते हैं, तो मनुष्य के मन में एक प्रकार का डर बना रहता है। मनुष्य के घृणा का संबंध किसी भी मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा होता, वह केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा होता है। यदि मनुष्य आपसी राग, द्वेष, घृणा को मिटाकर एक साथ रहें तो सभी का विकास संभव है। बाबा जी आगे कहते हैं कि कोई भी धर्म घृणा नफरत करना नहीं सिखाता। धर्म सभी प्रेम, भाईचारा और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का अनुसरण करने की सीख देता है। जीवन में सारों सुखों का अनुभव हमें प्रेम से प्राप्त होता है, और प्रेम का बंधन ही असली बंधन है, क्योंकि इस वाणी को सुनकर हजारों लोग बाबा जी के अनुयायी बने, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रेम का बंधन ही असली बंधन है। यही संपूर्ण मानव समाज को, जाति पाति के भेद को मिटाकर संपूर्ण मानव समाज को जोड़ने का काम किए थे बाबा गुरु घासीदास जी। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय जी। बहुत बहुत सतनाम और शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने विस्तार से आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। आप हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी, जैसा कि अभी रेखा जी ने बाबा गुरु घासीदास जी के समृत वाणी पर अपनी बात रखी है, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने आज के इस विचार पर विस्तार से अपनी बात रखें। जांगड़े साहब जी। जी सबको सतनाम। आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से
बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन जो मानव समाज सर्व प्राणी के हित में है, माया के बंधना बाबा गुरु घासीदास ने जो बोला है उनका बहुत असर मानवतावादी में, मानव मानव एक समान का रास्ता खोला, उस माया में किसी माया आ गए, मतलब किसी भी वर्ण जातिवाद की बात नहीं है, उनसे माया करना, दया करना, मानो सर्व प्राणी का सेवा करना माया का मतलब। तो बाबा गुरु घासीदास का कहना था कि माया मानो है, मानो है सर्व प्राणी के सेवा करो। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का जो 14वां माया के बंधना असली होते, यह मानवतावादी ला जीवित करते, परोपकारी ला जीवित करते, और सर्व प्राणी कल्याणकारी ला जीवित करते बाबा के सिद्धांत। आज ओकर अमृत वाणी ला, अमृत उपदेश ला हमार वॉइस ऑफ मानवता के चैनल के माध्यम से आज जन जन तक पहुंचे थे। आने वाला पीढ़ी ला एक अमृत इतिहास मिली, तो हमन इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के बड़ा हमन एक आभारी हन। बाबा गुरु घासीदास के अनमोल शब्द ला बोली, माया 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 में भेद है, माया माया कर फास, एक माया गर्त फसावे और एक माया मालिक मिलावे। बाबा जी कहे कि माया तो पुत्र परिवार धन संपत्ति पूरा संसार से प्रीति लगाए लोग, उस माया की बात बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि इस माया पर नहीं जूझना है, इस माया पर नहीं चलना है। बाबा जी ने बोला, जैसे रहनी पार जगत में जल बीज करत प्रसारा हो, पुराइन पत्र पर पानी लही लोटत धर की चले जस पारा हो। बाबा गुरु घासीदास की है संतो, या माया रूपी संसार में रहो, सबका रिश्ते नाते हैं वहां रहो, परंतु पुराइन के पत्र के समान रहो। जिस प्रकार तालाब में पुराइन का पत्र रहता है और तालाब में पूरा पानी रहता है, और उसमें कितना भी पानी डालो, पुराइन का पत्र है जो पानी से अलग रहता है। इसी प्रकार इस गृहस्थ में रह करके भी उच्च सतनाम मालिक परम पिता सतनाम परमात्मा से प्रीति लगाओ, इस संसार से प्रीति मत लगाओ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, आत्मा का माया परमात्मा से रखो, यह बाबा गुरु घासीदास ने कहा। तो यह एक माया गर्त में ले जाता है, एक माया है जो मालिक से मिलाता है। तो उस अगर अमर अविनाशी माया से बाबा गुरु घासीदास ने माया का मतलब छत्तीसगढ़ी में बोला तो हिंदी में प्रेम भक्ति भक्ति रस छुपा है। इस बाबा गुरु घासीदास का उपदेश में भक्ति रस छुपा है, भक्ति वाणी छुपा है। इसी को फिर बाबा कहते हैं, नारी पुत्र परिवार सब धोखे का है जड़, नारी पुत्र परिवार सब धोखे का है जड़, नारी तो दूर की नारी खुद की नारी छाड़, नारी तो दूर की नारी खुद की नारी छाड़। बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा, हे संतो, हे मानव समाज, यह संसार नर नारी स्त्री पुरुष पिता पुत्र बेटी बेटा धन दुगानी के जाल में चक्र में सभी फंसे हैं, सभी है जो एक दिन धोखा दे देगा। और यहां तक के नारी तो दूर की नारी खुद की नारी छाड़, नारी तो हमारा दूर की नारी है जो पत्नी वाली नारी है जो, और वो तो दूर की है हमारा शरीर में 24 घंटा श्वासा की तरह यह हाथ में नारी चल रहा है,
वो नारी भी एक दिन आप लोगों को छोड़ देगा, वो भी एक दिन आप लोगों को धोखा देगा। तो नारी तो दूर की नारी, खुद की नारी छाड़। तो ऐसे नाश्वर प्रीति, नाश्वर माया पर नहीं रहना है। जो अजर अमर अविनाशी परम पिता सतनाम मालिक है, उनसे प्रीति लगाओ। सतनाम का भक्ति करो, भक्ति से प्रीति लगाओ। सतनाम धर्म से प्रीति लगाओ। सतनाम मानव सेवा करो, सतनाम मानव परोपकारी करो, और सतनाम सर्व जीव पर कल्याणकारी कर्म करो। यह किया हुआ कर्म आपका साथ जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को माया का भेद बताया, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ ही था। तो बाबा जी ने छत्तीसगढ़ी में इस वाणी को बोला। फिर आगे बाबा जी ने कहा, माया ते माया कुटलाई, सत्य पुरुष भक्ति संगाई। जैसे पिता पुत्र कर माया, सतनाम सतनामी हृदय पर छाया। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, मेरे संतों, जैसे पिता है जो पुत्र से मोह करता है, प्रेम करता है, आनंद प्राप्त करता है, उसी प्रकार से परम पिता सत्पुरुष है जो सतनाम है, जो सर्व प्राणी से, सर्व मानव से प्रेम करता है और सभी को जागृत करता है कि आप सभी मेरे अंश हो, मेरे ओर निहारो, मैं जगा रहा हूं नित दिन। सतनाम रूपी माया करो, सतनाम संस्कृति पर माया करो, सतनाम धर्म पर माया करो। और सतनाम पर माया करना मतलब सर्व प्राणी पर सेवा करना, सर्व प्राणी के दुख को अपने समान समझना। और इस संसार की जो माया से मुक्त होना, मैंने कहा ना कि पुराइन के पत्ता के समान रहो, पुराइन के पत्ता के समान निर्मल रहो, माया में भी रह करके सतनाम की भक्ति करो और अपने आत्मा की माया को परमात्मा से जोड़ करके जीवन यापन करो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस शब्द को बोला, और उनका कहने का मतलब यही था कि माया के बंधना असली होते। तो ये आत्मा लब परमात्मा में जोड़ने वाला, आत्मा लब परमात्मा से निहारने वाला, और आत्मा लब परमात्मा से जोड़ के चैतन्य करने वाला, उस आत्मा पर बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को आगाह किया, चेतन किया। और जो नाश्वर है, शरीर हमारा नाश्वर है, उनकी माया मत करो। शरीर है जो नाश्वर है और इसमें आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है, उस आत्मा को निहारो। जिस प्रकार से सोना को गर्म करता है सोनार है जो, तो उसमें प्रकाश आता है, उसी प्रकार से इस शरीर को तपाओ, कर्म करो इस शरीर के माध्यम से, तो इसमें चैतन्य आएगा, ज्ञानवान बनोगे। और इस मानव समाज में आपका एक अलग छाप छूटेगा, आपका नाम अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। ऐसे माया करो, और जो विनाश होने वाला माया को बाबा गुरु घासीदास ने परखाया लोगों को कि यह माया है जो नाश्वर है और यह परमात्मा का माया है जो अजर अमर अविनाशी है। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने माया के बारे में इस मानव समाज को चैतन्य किया है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, सबको जय सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितिन जांगड़े साहब, बहुत सुंदर शब्दों के साथ आज के इस विचार को आपने रखने की कोशिश किया है। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब बहुत देर से सुन रहे हैं और दो वक्ताओं की बातों को उन्होंने काफी ध्यान से सुना है। राजेंद्र बंजारे जी अपनी आवाज को खोले। बंजारे सर। हाँ सर जी। सतनाम, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। जी सर। सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु की खालसा। आज का शब्द है
माया के बंधना असली है, अर्थात प्रेम पूर्ण व्यवहार ही जीवन का सार है। माया अर्थात प्रेम, इश्क, प्यार, स्नेह आदि के नाम से हम सब जानते हैं। मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप एक मॉडल है जो कि हार्ड मांस आदि से बना हुआ है, जो सूक्ष्म रूप में जीव के अंदर भी रखा है, परंतु इसका भेद खोज करने के पर ही मिलता है। संत महात्मा कहते हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। गुरु अमरदास साहिब जी कहते हैं, काया अंदर सब किछ वैसे खंड पताल, काया अंदर जग जीवन दाता, वैसे सबना करे प्रतिपाला। और आगे कहते हैं, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, जो भी खंड मंडल बाहर दिखाई देते हैं वे काया के अंदर भी रखे गए हैं। इसका सीजन हार भी काया के अंदर है और जीव काया के अंदर ही रूहानी सफर तय करके उस तक पहुंच सकता है। माया यानी प्रेम सभी जीवों में सृजनहार होता है। परमार्थ में सबसे जरूरी भक्ति प्रेम यानी इश्क है। यह एक ही भाव के दो मिलते जुलते पहलू है, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म यानी छोटा भेद है। भक्ति एक प्रबल प्रवाह या आकर्षक है जो प्रेम करने वाले को जबरदस्ती प्रीतम की ओर खींचकर ले जाता है और प्रेम प्रीतम तक पहुंचाकर उससे एक हो जाने की मस्ती का नाम है। प्रेम अर्थात माया प्रीतम से मिलाप के गहरे आनंद में मग्न हो जाने का नाम है। प्रेम प्रीतम से मिलाप के गहरे आनंद में जो भक्ति का चरम लक्ष्य है, प्रेम यानी मालिक सतपुरुष की सच्ची नमाज है। मस्ती के आलम में एक बार मन की माला फेरने से अंतर में प्रीतम का सिमरन और आंखों में उसका ध्यान बस जाता है। साथ ही रोम रोम की जबान उसे पुकारती है और नेत्र रिमझिम बरसाते हैं। ऐसे सिमरन और ध्यान द्वारा प्रेमी जल्दी ही अपने आंसुओं को तेज धारा में बहता हुआ आंसुओं को अपने दिल के काबे तक रसाई प्राप्त कर लेता है। जब तक ज्ञान और ध्यान प्रेम के बिना थोथे हैं, प्रेम से रहित साधक मालिक के भेद के प्राप्ति से खाली रह जाते हैं। जिसको प्रेम का रस नहीं मिला वह मालिक के रहस्य को जानने वाला नहीं हो सकता, अर्थात सतपुरुष को जान नहीं सकते। सतपुरुष से मिलने के लिए अनेक साधन अपनाए गए हैं, जैसे जप तप भक्ति वैराग्य ज्ञान योग आदि, पर प्रेम इन सबसे ऊंचा है। यह सभी साधनों का प्राण है। जो साधन प्रेम के रंग में से खाली है उनसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उल्टे वे रोग ग्रसित हो जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी भी जीवों के प्रेम यानी बंधन में बांधकर प्रेम दया करुणा मैत्री अर्थात भाईचारा को अपनाकर व्यवहार में लाया और लाकर सभी जीवों को आनंदमय बनाने में गुरु बाबा घासीदास जी का
महत्वपूर्ण सा भागता रहा। मनुष्य नहीं पशु पक्षी की भाषा को भी समझकर उनको जीवन की मुक्ति का नाम दिया। इस तरह से बाबा गुरु घासीदास जी ने एक खेती किसानी करते समय गरियार बैला को अर्थात नौकरशिक्षा बैलों को माया के डोर से बांधकर खेती किसानी कार्य को सफल बनाया तथा निरी प्राणी जो भेड़ बकरी मुर्गी आदि को जीव बलि देकर ये अंधविश्वास की जो परंपरा को तोड़कर जी हंसा को मना किया। जानवर जो कि हमारे सहयोग करते थे उससे भी समय के अनुसार अर्थात बाबा गुरु घासीदास जी ने जो हमारे हल में जो बैलों भैंसों को उपयोग करते थे उनको दोपहर में हल चलाने के लिए मना ही किया, इतना प्रेम था। तथा भैंस जो जिसके बच्चे मर गए हैं अर्थात गुरु बाबा घासीदास जी कहते हैं मुरी गाय के दूध ल झन पीबे, उनके बच्चे मर गए हैं उनसे दुखी होते हुए भी मानव जो है उनसे दूध निकालने का काम करते थे, वो दुखी जीव से भी तुम उससे जो है काम ले लेते हो या दुख और बढ़ा देते हो, इस तरह से उसको मुरी गाय के दूध ल झन पीबे ऐसे गुरु बाबा घासीदास जी ने कहा। यहां तक कुछ लोग जो होते हैं भैंस जो होते हैं बच्चा नहीं देते तो उसे हल में जोतने के काम करते थे, उनको भी उसे मनाही किए। ये सब परमात्मिक साधन केवल प्रेम को जागृत करने के लिए किए जाते हैं। अगर माया ना हो तो इबादत खुश्क है, प्रेम के आने पर सब नियमित इकट्ठे हो जाते हैं और इसके जाने पर सब नियमित खत्म हो जाती है। घर बार कार्य व्यवहार किसी भी वर्ग में प्रेम का एक कण मिला दो तो सर्वत्र सुख चैन व्याप्त हो जाता है। प्रेम हमें यह आभास करा देता है कि सब जीवों के साथ हमारा कुदरती संबंध है, एक ही मालिक यानी एक ही सत्पुरुष हम सबका पिता और हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए सबके साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम उत्पन्न होने पर हृदय में ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि के भाव दूर हो जाते हैं। अपना सर्वस्व कुर्बान करना अपना हृदय समर्पण करना प्रेम का मार्ग है। प्रेम निरंतर बनाए रहने वाला अर्थात आकर्षक है। हृदय में सत्पुरुष का सच्चा प्रेम उत्पन्न होने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है अर्थात निरत हो जाता है। प्रेम एक ऐसा बंधन है जो न ढीला पड़ता है न कभी टूटता है। इस तरह से हमारे गुरु बाबा घासीदास जी ने प्रेम अर्थात माया को सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण माना है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। सतनाम। बहुत सुंदर शब्दों के साथ में आपने आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए रेखा जी के पास जाना चाहूंगा। जैसा कि संत महापुरुषों की वाणी ही है कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो प्रभु पायो, तो ये सच है कि जो प्रेम करते हैं वही प्रभु को पाते हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी की जो ये विचार है ये जो वाणी है वो कितनी गहराई में छिपी हुई बातें हैं ये विचारों से उनके मंथन करने से समझी जा सकती है। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने बाबा जी के विचारों को विस्तार से बात रखा और जीव जंतु तक को भी उन्होंने जो प्रेम का संदेश दिया उनकी प्रेम की भाषा को जीव जंतु भी समझते हैं। आप भी अगर बछड़े को आप पुचकारेंगे जब उसको आप छुएंगे तो प्रेम की भाषा को जानवर भी समझते हैं। ऐसे ही बाबा गुरु घासीदास जी जब ज्ञान के
तप के बल पर जो छाता पहाड़ जैसे घनघोर जगहों पे जो जीव जंतु थे उनके इर्द गिर्द उनके तपस्या के समय बैठा करते थे उनके आसपास में और उनकी पशु पक्षियों के भाषा को भी समझते थे बाबा गुरु घासीदास जी। ऐसे ज्ञानी जो विश्व को संदेश देने वाले महान संत की वाणी पर आज हम सब चर्चा कर रहे हैं। मैं अगली विस्तार से चर्चा पर फिर से रेखा जी से चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये जो अमृत वाणी है ये पूरे विश्व को जानने की जरूरत है और हमारा प्रयास भी है कि इस चैनल के माध्यम से जन जन तक बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणी लोगों तक विस्तार से पहुंचे। इसी प्रयास के तहत हम इस चैनल में कोशिश किए हैं और आप सब लोग इस चैनल में सहभागी बन करके एक इतिहास के रूप में आने वाला समय में भी हर एपिसोड को आप गूगल के माध्यम से देख और सुन सकेंगे सुविधा अनुसार। तो मैं अगली फिर से चर्चा पर मैं रेखा जी से चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की इस वाणी को अपनी बात में रखें, अपने विस्तार से समझाएं। चुपना परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी वाकई में मानवता के पुजारी थे, मानवता के पक्षधर थे ही, साथ में जीव जंतु से अगाध प्रेम था, क्योंकि उसके अमृत वाणी में देखने सुनने को वाकई में मिलता है, मुही गाय ला झन दूबे उकर दूध झन पीबे और गाय भैंस ला नांगर झन जोतबे, ये अमृत वाणी में आगे की कड़ी में है दर्ज है। और संपूर्ण जीव के प्रति दया का भाव रखते थे और जिसमें छाता पहाड़ में तप कर रहे थे उस समय वाकई में पशु पक्षी और जानवर जिसको खुंखार कहा जाता है उनके बीच रहकर तप साधना किए बाबा जी ने, और स्नेह ही भाव था उनका जो करीबी करीब ला के रखे उनको और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, प्रेम और वात्सल्य का भाव उसमें अगाध था बाबा गुरु घासीदास जी में। तो इस कड़ी में अपना कुछ लिखी हूँ रचना, उसके माध्यम से कहना चाहूंगी। आनंद नाम सतनाम है भाई, आनंद नाम सतनाम है भाई, गुरु है रीति और नी, गुरु बर सब संभाव है, गुरु बर सब संभाव है, कोई ऊंच ना नीच, कोई ऊंच ना नीच, प्रेम है ऐसी भावना, प्रेम है ऐसी भावना, जो घट घट में है समाए, घट घट में है समाए, प्रेम मांगे त्याग बलिदान, प्रेम मांगे त्याग बलिदान, समर्पण भाव हो सुभाए, समर्पण भाव हो सुभाए, मोह वासना भव बंधन, मोह वासना भव के बंधन, भव में भटका खाए, भव में भटका खाए, प्रीति लगे जब गुरु से, प्रीति लगे जब गुरु से, सदगुरु हृदय में समाए, सतगुरु हृदय में समाए। अभी गुरु घासीदास जी के अमृतवाणी में यहाँ थोड़ा सा मैं गुरु नानक जी की अमृतवाणी को जुड़ना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी इसकी अमृतवाणी। कहे नानक सुनहुं संतहु सबद धरहु प्यारो, अर्थात हे संत जनों सत भाव जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, ध्यान से शब्दों को सुनो, शब्दों से प्रेम करो, उस परमात्मा से प्रेम करो, गुरु के शब्द से प्रेम करो, वह प्रेम ही उस ओंकार सतनाम से मिलने की सीढ़ी है। आगे कहते हैं गुरु नानक देव जी, साचा नाम मेरा आधारो, अर्थात सच्चा नाम ही जीवन का आधार है। जैसे जैसे मनुष्य शब्द से प्रेम करेगा, मन नाम में मजबूत होता चला जाएगा। जैसे घर को मजबूत रखती है नींव, वैसे ही मन को मजबूत रखता है नाम, सतनाम का नाम। अकाल पुरख सतनाम में अटल विश्वास करना, जीवन को संवारने के लिए उस अकाल पुरख निरंकार को समझो, उसे प्रेम करो, यानी उसको समझे और अपने जीवन का आधार बनाए। आगे अपने रचना के माध्यम से और बोलना चाहूंगी, सतगुरु से नेह लगा ले, सतगुरु से नेह लगा ले,
भाव से खेवन हार है, भाव से खेवन हार है। दुख सुख सब जीवन के नाता, दुख सुख सब जीवन के नाता। गुरु ही मुक्ति के द्वार है, गुरु ही मुक्ति के द्वार है। नाते रिश्ते मौन है सब, नाते रिश्ते मौन है सब। प्रेम बिना निश्वास, प्रेम बिना निश्वास। मोल कर लो श्वास का, मोल कर लो श्वास का। लौट के न आए प्रश्वास, लौट के न आए प्रश्वास। बाबा जी ने कहा कि सतगुरु से ही प्रीत लगा लो तो भवसागर से आप पार हो सकते हैं। दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहता है, जब तक जीवन रहेगा दुख और सुख मिला हुआ रहेगा और दोनों का निरंतर चलते रहेगा जीवन में। लेकिन मुक्ति का द्वार हमको गुरु के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। और नाते रिश्ते सभी हैं दुनिया में, लेकिन बिना प्रेम के, बिना प्रेम के कोई नाते रिश्ते नहीं चल सकते। और अपने इस श्वास को, प्रत्येक श्वास में, आत्मा में उस पुरस पिता सतनाम को वास रखो। आत्मा निरंतर सतनाम को जपते रहो, क्योंकि कब जाने ये श्वासा हंसा छोड़ के चला जा रहा है, मतलब ये श्वास श्वास ही टूटेगा तो आत्मा मुक्त हो जाता है शरीर से। तो बाबा जी ने उसी के ऊपर कहा कि पता नहीं कब ये श्वास आवागमन बंद हो जाए, छूट जाए, तो निरंतर श्वास में सतनाम का जाप करते रहो, क्योंकि सच्चा प्रेम यही सतपुरुष सदगुरु से प्रेम ही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा बंधन है। आगे कहना चाहूंगी कि प्रत्येक मानव जाति के पास तमाम सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, पाखंड, आतंकवाद व्याप्त है। लोग सुख सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं। यदि प्रेम के स्थान पर मोह, माया, अहंकार, संकीर्ण सोच और असीमित धन पाने की लालसा स्वार्थ के वशीभूत इंसान नैतिक मूल्यों का त्याग करते जा रहा है, भूलते जा रहा है, तो आज के समय में प्रेम का जो बंधन है वो बांध के रखे, प्रत्येक डोरी को मनुष्य प्रेम बंधन में बंधा हुआ, यदि बंधन को बंधन ना समझे, प्रेम का बंधन समझे, जंजीर ना समझे, क्योंकि आजकल समय सीमा नहीं, समय नहीं रहता लोगों के पास, तो भी समय नहीं दे पाते, और इसी के चलते कड़वाहट भी आता है, ईर्ष्या देश के कारण भी कड़वाहट आता है। तो इसको बाबा जी ने कहा कि प्रेम से रहिए मेरे संतो, और सभी मिलजुल कर रहे, ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी की वाणी था। इतना कहकर अपनी वाणी राम देती हूँ। जय श्री, बहुत बहुत शुक्रिया हरेखा कौशिक जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। मैं फिर से जीतेन जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। जीतेन जांगड़े जी, बाबा गुरु घासीदास जी एक एक वाणी अनमोल है और अमृत वाणी इसीलिए कहा भी गया है। तो जैसे जैसे हम उनके गहराइयों में जाते हैं, वैसी वैसी ज्ञान की वाणी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो हम जितना मंथन करेंगे उतना ही ज्ञान की वाणी हमारे दर्शकों तक जाएगी। और जितने भी संत महापुरुष हैं उन सब की अगर निचोड़ को हम देखें तो सभी गुरुओं के अंदर में ये संदेश है कि प्रेम जब तक हम नहीं करेंगे तो हम उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर से हमारा जो संबंध है वो छूट जाएगा और अंत में हमें पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सिमरन करते हैं उस परमात्मा को या उस सतगुरु को, तो हमें अंतरात्मा की ओर जाना पड़ेगा। जो बाहरी आडंबर है उससे हमको हट करके अंतर की गहराइयों में जाना पड़ेगा। और जब तक हम अंतर की गहराइयों में नहीं जाएंगे हम उस परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते। इसी विचारधारा को, इसी वाणी को बाबा गुरु घासीदास ने अपने संतों को कहा है और आप सब लोग, सभी बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छे से आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं दोबारा फिर से चाहूंगा, जांगड़े साहब आप एक डॉक्टर भी हैं और इसको आप एक साइंटिफिक दृष्टि से भी अगर आप समझें तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पर प्रकाश डालें। जी जी, पुनः सतनाम। बाबा गुरु घासीदास ने हमेशा
नाश्वर और चेतन, नाश्वर और चेतन पर उन्होंने अपना चिंतन को व्यक्त किया मानव समाज के समक्ष। बाबा जी ने कहा कि यह दिख तो एक रहा है परंतु इसमें एक नाश्वर है और एक चेतन है। तो बाबा जी ने मानव समाज को चेतन की ओर जाने के लिए चेतन पर माया करो यह बातें कहा, क्योंकि तो मानव समाज हमेशा सदियों से नाश्वर पर प्रीति लगाए हैं जो धोखा है। इन्हीं को बाबा जी ने कहा शरीर भाव अशुद्ध है, आत्मा भाव शुद्ध है। शरीर अशुद्ध मल मूत्र मां भीतर भरे भंडार, मेद मज्जा कब पित है हाड़ मास अपार। बाबा जी ने कहा कि यह शरीर की प्रीति लगाए हो वह एक न एक दिन आपको धोखा दे देगा। इसमें तो मल मूत्र हाड़ पिंजरा मांस आदि भरा हुआ है, आदि से बना हुआ है, इससे क्या प्रीति करते हो। इसमें जो परम पिता सतनाम का अंश चेतन आत्मा है उनसे प्रेम करो, उनको जागृत करो जो अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा सतनाम का बिंद है, उनका अंश है, उसको जागृत करो, उससे प्रीति लगाओ। इस प्रकार बाबा जी ने नाश्वर और अजर अमर दोनों को बाबा गुरु घासीदास ने अपने जीवन पर्यंत समझाया। और उन्होंने आगे कहा बाबा जी ने कि मूर्ख अगर मित्र है और बहुत माया करता है आपसे तब भी वह बेकार है, क्योंकि सत क्या है असत क्या है, परोपकारी क्या है कल्याणकारी क्या है, दया क्या है प्राणी सेवा क्या है, उनके बारे में वो सोच नहीं पाएगा, वो उनके पास क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो माया तक ही सीमित रहेगा क्योंकि अज्ञानी है वो। परंतु अगर दुश्मन समझदार है, ज्ञानी है, चेतनवान है दुश्मन, वो दुश्मन भी अच्छा है उस मूर्ख मित्र से अच्छा, क्योंकि वह दुश्मन रहकर भी वो ये सत बोल रहा है असत बोल रहा है, इसका कर्म है जो कल्याणकारी है। पशु हर जीव पर हर प्राणी पर दया का भाव रखता है, सत असत को परखता है, इसको जब जानेंगे वो दुश्मन भी रहेगा वो भी आपका समर्थन करेगा। परंतु वो मूर्ख मित्र है जो अज्ञानी होने के कारण वो आपके कर्म को नहीं समझ पाएगा, आपकी भेद अभेद को नहीं समझ नहीं पाएगा। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि चेतनवान बनो, ज्ञानवान बनो, परखनहारी बनो, सत असत को समझने वाला बनो और परमात्मा परमपिता सतनाम सतपुरुष पर माया रखो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा, क्योंकि अज्ञानता नाश्वर का हम जितना माया करेंगे उतना हमको दुख मिलेगा। इस संसार में प्रकृति में दुख का मूल कारण है अज्ञानता, और नाश्वर से प्रेम करना, माया करना और उस माया के बंधन में बंधे रहना, उनसे मुक्ति नहीं प्राप्त करना, तो इस माया रूपी बंधन को बाबा गुरु घासीदास ने परखाया और मानव समाज को कहा कि जीव पर दया परातम पूजा एकरला है नहीं दूजा। इस संसार में जीव मतलब सत्पुरुष का अंश है, इसको अगर जान लोगे तो किसी का हत्या नहीं करोगे, किसी पशु को मारोगे नहीं, किसी पशु को सताओगे नहीं, किसी जानवर है जो दुखी है पीड़ित है उनको आप सेवा करोगे। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने माया के बंधना चेतन स्वरूप का माया के बंधना में बंध जाओ, ऐसा कर्म करने के माया में बंध जाओ जो आपके आत्मा को, आपके घर परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को विकसित करेगा और जागृत करेगा।
इसी प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि माया के बंधना है सब लोग बड़े होते। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास का अमृत वाणी है जो इस हमारे मानव समाज को बिल्कुल एक ऐना की तरह मानवतावादी जीवन जीने के लिए सिखाएगा। और माया के बंधना को जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन किसी भी प्रकार का जातिवाद लिंग भेद नहीं रहेगा। एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को भूखे को भोजन कराएंगे, दुख पर सुख पर सभी लोग एक ही सदनाम परमात्मा के माया के बंधना में बंद करके सभी लोग एक भाईचारा का जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास का ये अमृत वाणी का अर्थ है। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम जी, बहुत शुक्रिया जागरण साहब। राजेंद्र मंजारी साहब, फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज की इस परिचर्चा पर प्रकाश डालें। जी ठीक है सर। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी ने हमें माया के बंधना में इस तरह बांध दिया कि अन्याय अत्याचार इस प्रेम के द्वारा माया के द्वारा अपने आप ही समाप्त हो जाती थी। और इस माया को हम सबको समझने की जरूरत है। प्रेम अर्थात माया संसार का प्राण और जीवन का रस है। यह पवित्रता सादगी जीवन की जान है। इसके बिना संसार सुना है। यह जीवन को हरा भरा रखने वाला रस है। प्रेम कोई बनिए की दुकान नहीं जहां पैसे देकर उसे खरीद लिया जाए। यह शरीर प्राण और ईमान सब प्रीतम पर निछावर करने पड़ते हैं। एक संत महात्मा कहते हैं, जाओ तो प्रेम खेलन का जाऊं, सिर धर तुझी गली मेरी आऊं। इत मारग पैर धरी दीजे, सिर दीजे कानना दीजे। अर्थात ये कहते हैं, प्रेम तर्क वितर्क करने बहाने और अपने को सत्य सिद्ध करने का मार्ग नहीं है। इस पर मजनू पर कर जाना पड़ता है। जब तक हमारी बुद्धि बाहरी विद्या या ज्ञान में फैली रहती है तब तक हम इस हकीकत का अनुभव नहीं कर सकते। प्रेम दो दिलों को मिलाकर एक कर देता है और उन्हें असली अर्थ में एकता का एहसास दिला देता है। फिर उन्हें अलग करना कठिन होता है, क्योंकि जिस तरह से दूध और पानी की जब आपस में मिल जाते हैं तो ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उनकी अलग पहचान नहीं रहती। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी प्रेम को इतना महत्वपूर्ण विषय बताया है। दुनिया के सभी कार्य जो है आसान से आसान है, जीवन को सुखमय और आनंद बना देता है। एक मैं गुरु बाबा घासीदास जी के थोड़ा सा पंथीग्रित दो लाइन में कहकर सुनाना चाहूंगा। दुनिया में नाम कमाए ये घासी बाबा, दुनिया में नाम कमाए ये घासी बाबा, मिठ मिठ लागे अमृत बानी, मिठ मिठ लागे अमृत बानी, सबके मन भाए, सबके मन भाए, चम चम चमके गुरु बाबा, सूरज बन के जे तय छाए, अमृत बरसाए। दुख पीरा के तय हरैया, दुख पीरा के तय हरैया, सच के नाम जपैया, सच के नाम जपैया, पाप कर्म के बहत गंगा में, पाप कर्म के बहत गंगा में, ज्ञान डोंगा खेवैया,
ज्ञान डूंगा खेवैया। हृदय में तोला बसाहू मोर गुरु बाबा, हृदय में तोला बसाहू मोर गुरु बाबा। नाम के जग में छाए, नाम के जग में छाए अमृत बानी में घासी बाबा। मैं गुण गाओ घासी बाबा, दुनिया में नाम कमाए ए घासी बाबा। मिट मिट लागे अमृत बानी सबके मन भाए, मिट मिट लागे अमृत बानी सबके मन भाए। इतना कहकर मैं आवानी विराम करता हूँ। सतनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। आज की इस परिचर्चा का हमारा समय भी खत्म हुआ, और जैसा कि हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वैसा मानवता चैनल में हमारी 14वीं कड़ी का आज ये विस्तार से चर्चा हुआ है, और मैं आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में रेखा जी से फिर से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें, और हम उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को, आज की इस परिचर्चा को, इस अमृतवारी की जो डिबेट है उसको हम खत्म करेंगे। रेखा कौशिक जी। जी, बाबा और गुरु घासीदास जी ने प्रत्येक इंसान को मानवतावादी विचारधारा पर चलने के लिए कहा, प्रेम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए। सच्चाई और प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सतनाम और सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बाबा जी ने कहा। बाबा जी ने रावटी चलाकर और सत्संग के माध्यम से अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि बाबा जी का मानना था कि जब संपूर्ण मानव समाज भेदभाव को त्याग कर एक नहीं होंगे तब तक मानव का कल्याण मुश्किल ही है, क्योंकि दबे पिछड़े और शोषित वर्ग को साथ लेकर यदि नहीं चलेंगे तो उसका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेम पाने का अधिकार या सम्मान पाने का अधिकार संपूर्ण मानव समाज को है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने जब रावटी चलाते थे तो कोई भेदभाव नहीं होता था, संपूर्ण समाज के लोग उसके साथ हजारों की संख्या में उनके साथ चलते थे और उस प्रेम धारा में साथ में बहते थे, मतलब उनके साथ हो लेते थे, रावटी चलाते थे। कई 10 से 12 रावटी स्थल है, वहां वहां बाबा जी गए तो हजारों दर्शकों उसके साथ थे, उसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं था, और बहुत से समाज लोग सतनाम धर्म को अंगीकृत किए, सतनाम पंथ को, और उसके अनुयायी भी बने। तो ऐसे थे हमारे बाबा गुरु घासीदास जी, अगाध प्रेम और करुणा और दया था उनके मन में, और इसी के चलते ये अमृतवाणी, आज अमृतवाणी जो कह रहे हैं बाबा गुरु घासीदास जी के वाणी को, तो उसके कर्म ही है जो आगे आज देवतुल्य उनकी पूजा होती है बाबा गुरु घासीदास जी की, क्योंकि उन्होंने प्रेम के बंधन को असली बंधन कहा, यही बंधन समस्त जीव को जोड़ के रखता है, ऐसा बाबा जी का मानना था और ये संदेश दिए। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट के रूप में फिर से जितेंद्र जांगड़े जी के पास में संक्षिप्त में 1 मिनट पर अपनी बात रखने के लिए निवेदन करता हूं। जी जी जी, बाबा गुरु घासीदास का एक एक वाणी उनकी अनमोल है, हमारे संत लोग उनकी भजन को, उनकी वाणी को ऐसे गाते हैं, उनकी एक एक अर्थ निकलता है। जैसे बाबा गुरु घासीदास के संत लोग हमारे समाज के लोग कहते हैं, बाबा यंगन लझारी बहारी डारो, बाबा यंगन लझारी बहारी डारो, मन के दुगाधा भरम लदी हो टार, पाइले हो सत गुरु लाओ। तो बाबा जी के इस वाणी में कितना राज छुपा है, इस अपने जो अवगुण है, जैसे माता बहन लोग कचरा को बहरी से बाहर करके घर से बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार से मेरे में, खुद में
मेरे घर परिवार पर, मेरे समाज पर, मानव समाज पर जो अवगुण है उस कचरा को बाहर दो, आत्मा को चेतन करो, आत्मा को शुद्ध रखो। इसी को मैंने पूर्व में कहा कि जो रखने लायक है उनको रखो, उनसे मैं करो, उनसे प्रीति करो, और जो अवगुण है, जो नाफर है, उसको त्याग कर दो कचड़े की तरह। और यह अगर हम अवनाशी माया जो परमात्मा का चेतन है सतनाम मालिक का, उनसे प्रीति लगाओ, उनसे माया का बंध न रखो। इस पर बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को जागृत किया और आज उनकी जागृत वचन को, अमृत वचन को, आज हमारा यह वॉइस ऑफ मानवता चैनल का हम पुनः आभारी हैं, जो आज उनकी इस अमृत वाणी को, अमृत चरित्र को, बाबा जी के अमृत उपदेश को आज जन जन तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और इनको लोग सुनेंगे, जानेंगे तो आत्मा चेतन होगा और सत असत को लोग परखेंगे और इस संसार रूपी भाव सागर से पार होकर के अपने आत्मा को बिल्कुल परमपिता परमात्मा के अधीन हो जाएंगे, उनको में एक प्रकार से चेतन हो जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे, अजर और अमरासी हो जाएंगे। तो मैं अपनी पुनः इस वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट के रूप में मैं राजेंद्र बंजारे जी से फिर से चाहूंगा कि अंतिम विचार आज की इस परिचर्चा पर अपने रखें सब्जेक्ट। जी, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने माया को अर्थात प्रेम को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी एकदम सरल भाषा का उपयोग किया, आसान से आसान पहुंचाए। उसके लिए गुरु बाबा घासीदास जी एक अटगवा कमेटी बना करके, उस अटगवा कमेटी में सभी लोगों को, जन समूह को, प्रेम कितना आनंदमय है, कितना सुखमय है, और हमें इस प्रीतम के साथ, अर्थात प्रेम मतलब एक दूसरे को करने के लिए कहा, साथ साथ अपने अंदर जिसको हम सत, जो सतपुरुष भी है, इसलिए ब्रह्मांड बोलते हैं, ये ब्रह्मांड जो है, जो चीज हमें बाहर दिखाई देती है वही चीज हमारे शरीर के अंदर भी है, जो हमेशा प्रकाशमय होता है, उस प्रकाशमय को पहचानो। इसलिए गुरु बाबा घासीदास जी कहते हैं अपनी अंदर छुपी शक्ति को जानो, अर्थात वो कहते थे अपन घट ही के देवल हम नहीं वो, अर्थात अपने आप, जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक हम इसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस घट में सब कुछ है, प्रेम करना सीखो। इस घट के द्वारा हम, जब तक हमें सतपुरा से प्रेम नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं। और गुरु बाबा घासीदास जी इस माया को एक मानव समाज तक ना रह करके सभी प्राणियों में भी रह कर काम करने के लिए बोला है। जैसे पिछले मैं जानकारी दिया था, जानवर भी उनके प्रेमी बन जाते थे। एक मैं छोटी सी, एक उसके साथ एक आप भी थी, छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। एक महात्मा जो है वो गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, और वो बोलते हैं मेरे से ज्यादा प्रेम करने वाला, भक्त करने वाला एक बता दीजिए, कोई है तो नाम बता दीजिए। तो गुरु घासीदास जी कहते हैं मेरा प्रेम, मेरा भक्ति मनुष्य ही क्या, वो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। उसने बोला बताइए मुझे। तो बताया कि वो देखो पेड़ में पशु पक्षी बैठी है, उनसे जाके मिलो। तो महात्मा कहने लगे मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आती। तो गुरुजी कहते हैं आप पहुंचो वहां पर, जाके देखो तुम, उनकी भाषा तुम्हें समझ आ जाएगी। फिर जैसे ही वो पशु पक्षी के पास पहुंचते हैं,
तो पक्षी बोलती है, मैं आपसे बात करने की इच्छा तो नहीं हूं, पर मेरे गुरुजी द्वारा आपके भेजा गया है, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं। तो इसने बोलता है, महात्मा कहते हैं कि आप, तुम्हें क्या कमी मुझे बताइए। वो बोलती है, पक्षी बोलती है, ये जो झरना जो है वो जो है मेरे पास ला दो। बोलता है ये, तो वो महात्मा कहता है, झरना तो पास ही तो है, दो कदम है, यहां से चले जाओ। वो बोलती है, मैं गुरु भक्ति में, मुझे इतना, मेरे सिमरन में इतना बाधा आता है, जब प्यास लगती है तो वहां जाना पड़ता है मुझे। तो ये कह सकते हैं कि उसको इतना गुरु भक्ति में, प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि पानी पीने जाने में भी उसको उसको बिछोड़ने का एहसास हो जाता है उस पक्षी को। तो इन सब बातों को समझ करके उस पक्षी से माफी मांगा और चले जाता है। तो जा करके गुरु जी के शरण में पड़ जाते हैं कि मुझे माफ कीजिए, मेरे से भी ज्यादा पशु पक्षी प्रेमी हैं, आपके माया में बंधे हुए हैं। ऐसे बताते हैं गुरु जी के इस विचार को। इतना कल्पना मैं वाणी विराम करता हूँ। सतनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस गहन विचार परिचर्चा पर हमारे जुड़े जितेन जांगड़ी जी का, राजेंद्र मंजारे साहब का और रेखा जी का, जो इस वृहद कड़ी जो हमारी 42 कड़ी है उस पर आप लगातार हमारे साथ जुड़ करके लोगों तक विस्तार से बात रखने के लिए आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से। और दूसरा, हमारे दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि समय समय पर वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से संत महापुरुषों के विचारों को हम विस्तार से इस मंच के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका, उससे हम गूगल मीट के माध्यम से लाइव प्रसारण करते हैं। और मैं दर्शकों से चाहूंगा कि जो हमारी ये विस्तार से जो कड़ी चल रही है बाबा गुरु घासीदास जी के 42 अमृत वाणी पर, इस पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलें, उससे पहले मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आप सभी लोगों को सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जोहार, सतनाम।